सिंधुदुर्ग के राजकोट किले पर 8 महीने पूर्व स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने की घटना को महाराष्ट्र की जनता की भावनाओं को दुखाने वाला बताते हुए राका शरद पवार गुट ने दोषियों पर मामला दर्ज करने की मांग की है। शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे के नेतृत्व में महल गेट शिवाजी प्रतिमा के समक्ष उक्त मांग को लेकर आंदोलन किया गया। शिंदे सरकार के इस्तीफे की मांग करते हुए कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जिलाध्यक्ष प्रवीण कुंटे, प्रकाश गजपीय, अफजल फारूक, जानबा मस्की, नूतन रेवतकर, श्रीकांत खोखरे, रेखा कृपाले, प्रवेश मेश्राम, पद्माकर भित्रे, संजय परियानी, आकाश चिमनकर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी ने हाथों में सरकार के खिलाफ लिखे संदेश वाले पोस्टर थाम रखे थे। पेठे ने संदेह जताया है कि कहीं उद्घाटन के दौरान देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि की हत्या की साजिश तो नहीं रची गई थी। उद्घाटन के दौरान प्रतिमा उनके ऊपर गिराने के उद्देश्य से जानबूझकर प्रतिमा निर्माण व उसकी स्थापना में त्रुटि की गई है। जानबूझकर प्रतिमा का नट बोल्ट निम्न दर्जा का उपयोग किया गया। उन्होंने इसकी उच्च स्तरीय जांच कर संबंधितों पर मामला दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि स्मारक समिति, समन्वयक, नौसेना के संबंधित अधिकारी, ठेकेदार व केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की जाँच की जानी चाहिए। देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्या पुतळ्याच्या उद्घाटनाला आले होते। त्यावेळेस महामहिम राज्यपाल सुद्धा होते। कदाचित राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आणू होतील असं वाटते की त्या व्यक्ती पंतप्रधानाला त्या ज्या पद्धतीनं पुतळ्याचं निर्माण केलं ते निर्माण निकृष्ट दर्जाचं होतं आणि त्याच वेळेस तो पुतळा पळावा आणि त्याच्यात पंतप्रधान दबून मारावे अशी तर अधिकाऱ्यांची अशी तर ठेकेदाराची कल्पना होती। त्याच्यामुळे आज आम्ही इथे आंदोलन करत आहे। महाराष्ट्रामध्ये अशी कधीच घटना घडली नाही। ते पुतळे आज वर्षानुवर्ष ज्या डोंगराळ भागामध्ये जे किल्ले उभे आहेत, पुतळे उभे आहेत, आज तो 8 महिन्याच्या पूर्वीचा जो पुतळा आहे तो पडलेला आहे। तो पुतळा कदाचित पंतप्रधानाचा महामहिम राज्यपालाचा कुठेतरी हत्या करण्याचा त्याच्यामागचा उद्देश असू शकते। म्हणून त्या पुतळ्याचे नटबोल्ट जंगितलेले होते। म्हणून त्याचं निर्माण जे निकृष्ट दर्जाचं केलं तर त्या निमित्ताने आम्ही जे संबंधित आहेत, जे महाराष्ट्र सरकारचे जे प्रमुख आहेत त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई व्हावी। त्यांनी ह्या घटनेला स्मरून त्यांनी आपला राजीनामा द्यावा ही आमची राष्ट्रवादी काँग्रेस। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ दे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल, डांस, क्लासिकल एंड वेस्टर्न स्पोर्ट्स, इंडोर एंड आउटडोर। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज 38 वेड़ाहरे आउटर रिंग रोड पोस्ट बेसा नागपुर। अवर ब्रांचेस एट रामेश्वरी एंड वेड़ाहरी। कॉन्टैक्ट नंबर 7276066999 एंड 7276055999। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज।